तो सिंगल हॉर्न इसका देख लेते हैं कितना बढ़िया है भाई। सिंगल हॉर्न तो नहीं ठीक है यार। इंडिकेटर्स भी टोटल बल्ब इंडिकेटर्स हैं, ये भी बाइक है जहर जहर। भाई दूसरे ही गियर पे 57 चली जाती है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग विद योर ब्रदर यूट्यूबर यश। एंड आज हम लोग आए एक नई बाइक के साथ। कौन सी बाइक है पता है? कौन सी बाइक है? पल्सर की है, बजाज पल्सर 120C। दिखाऊं? सो गाइस, ये है हमारा 125 पल्सर 2024 मॉडल विद डिजिटल मीटर कंसोल एंड नॉन DTSI इंजन। तो 125cc है गाइस। बहुत मज़ा आने वाली है इस वीडियो में। बहुत सारे अपडेट्स आए इसमें, नई बाइक्स में 2024 मॉडल्स में। तो भाई बजाज ने कमाल ही कर दिया, क्या अपडेट निकाले। मतलब बजाज से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, मुझे क्या किसी को नहीं होगी भाई ऐसी उम्मीद। सो गाइस, ये वाली बाइक आती है 10.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ। एंड जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो 11.8 PS की पावर ये जनरेट करती है। ये बाइक जो है गाइस, ये सिंगल सिलेंडर बाइक है। और इसका देखो एग्जॉस्ट, स्टॉक एग्जॉस्ट है और लंबा सा एग्जॉस्ट इसका दे रखा है, जो कि यहाँ से ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है। सो सिंगल सिलेंडर बाइक है ये। 124.4cc का इंजन है इसमें और डायनेमिक राइडिंग एक्सपीरियंस है गाइस, डायनेमिक राइडिंग एक्सपीरियंस। सो इस बार इसमें बजाज ने अपने बजाज ब्रांडिंग लोगों के साथ इंजन दे रखा है, जो कि पहले इसमें देखने को मिलता था DTSI इंजन की बैजिंग। और अब इसमें देखो लोगो है बजाज का और बजाज की इंजन है अपना खुद का। ये वाली बाइक जो है ये आती है सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ, और पीछे जो वो वाला कॉम्बो ब्रेक नहीं होता है, जैसे एक को हमने प्रेस किया तो दोनों वर्क करते हैं, सो वो वाला इसमें कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है। एंड इसमें आता है सिर्फ आगे डिस्क लगी होगी, आप लोग देख सकते हो ये देखो डिस्क लगी है। और ये सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ आता है विद नॉन ABS। जी हाँ यार, ना आगे है ABS ना पीछे है ABS। सो ये बाइक आती है विद नॉन ABS। सो खतरा बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप बाइक तेज चलाते हो रोड पे, सो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है ABS, जो कि 160cc या 150cc के ऊपर वाली बाइक्स में आता है। सो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें ABS नहीं है। सो गाइस, जो ये बाइक है ना, ये सीधे शोरूम से मैं निकलवा के ला रहा हूँ, इसीलिए आप देख रहोगे कि इसमें पन्नी लगी हुई है और इसके मीटर पे भी पन्नी लगी हुई है। लेकिन चलो मीटर की पन्नी हटाते हैं, ताकि आप लोग को पता कैसे चलेगा कि इसका मीटर कंसोल कैसा है। तो चलो शुभारंभ कर देते हैं इसका। 1 2 3। तो मैंने कर दी इसकी चाबी ऑन। और गाइस ये देखो खूबसूरत सा 160cc के हूबहू मॉडल है। मतलब कुछ डिफरेंस जो नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। जो 2024 का मॉडल है बजाज पल्सर 160cc जो मेरे पास है बघीरा अपना, बिल्कुल वैसा है इसमें। देखो यहाँ पे टाइम यहाँ पे दिखा रहा है लो फ्यूल, तो चलो अभी तेल कम है क्योंकि तुरंत गाड़ी निकली हुई है। और इसमें RPM भी वैसे ही सेम है। और गाइस इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी, और वैसे ही इसमें ये देखो मोड बटन है। सो अगर मोड बटन हमने प्रेस किया, इसमें वही दिखा रहा है DT 130, AFE एवरेज भी यहाँ से AFE एवरेज ट्रिप पे दिखाएगा, क्योंकि ट्रिप पे देखो सिर्फ 200 मीटर चली चुकी है, 200 क्या वही 20 मीटर ऐसे कुछ मान लो, इससे ज़्यादा नहीं चली है। ओडोमीटर टोटल 3 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे वार्निंग में एंटर करना है, फिर एंटर सेटिंग्स में एंटर करते हैं। चलो देखते हैं सेटिंग्स में क्या क्या है। और मीटर में मैं दिख रहा हूँ इतना बढ़िया सा। और इसमें देखो यार ब्लूटूथ भी है, इसमें यार ब्लूटूथ भी है। सो ब्लूटूथ हम इसके ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे हम ऐसे बजाज का ऐप होता है तभी, जब उसमें हम अपने बाइक का चेसी नंबर या कुछ समथिंग और चीज़ होती है जो बजाज की कंपनी की तरफ से आती है, उसको एंटर करते ही तब हम इसमें बजाज के ऐप में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो साइड स्टैंड का हमें वार्निंग दिखा रहा है, फिर हम इसमें सेटिंग्स में एंटर करके फिर वही जो टाइम वाइम वगैरह है वही हम फिर उसमें सेट कर सकते हैं। आपको तो मैंने दिखाया ही था, ब्लूटूथ हो गया, क्लॉक हो गया, DTS हो गया,
सो ऐसे सेटिंग्स एग्जिट हो गया, सब कुछ सेम है इसमें। इंजन की लाइट जल रही है, देखो सेम है। एबीएस इसमें नहीं है तो एबीएस की लाइटिंग अभी नहीं आपको दिख रही है, और आपको न्यूट्रल का भी दिखता है लाइटिंग ऑप्शन। और आपको इसमें सबसे बढ़िया है कि जो 2023 वाली पल्सर थी उसका जो मीटर था उसमें लाइट नहीं थी, और ये आप रात में भी देख सकते हो इसमें लाइट दी हुई है। सो गाइस, इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि इसकी फेयरिंग्स में ये देखो ऐड हुआ है, ये देखो ये जो साइड एंगल साइड फ्रेम लगा हुआ है ये ऐड हुआ है, और इसमें ये देखो चार्जिंग पॉइंट भी इसमें दिया गया है बजाज की तरफ से 2024 वाले 125 सीसी मॉडल में, सो जो कि पहले नहीं आता था। और उसके बाद फिर यहाँ की ग्राफिक्स इसकी चेंज हुई है, ये देखो। उसके बाद इसकी भी ग्राफिक्स, स्टिकर्स, और सबसे बढ़िया यहाँ पे ये देखो ये स्टिकर आपको नहीं देखने को मिलता था। और फिर आप देखोगे यहाँ पे टैंक पैड, टैंक पे आपका स्टिकर लगा हुआ है जो कि आप अलग से बाहर वाली दुकानों से लगवाते थे, तो इसमें आपको पहले से ही दे रखा है, सो आपको इस बार लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इसमें इस बार 5 मॉडल देखने को मिलेंगे इस बाइक में। आपका ये स्प्लिट सीट मॉडल हो गया, एक में आपकी सीट जुड़ी हुई होती है, सिंगल सीट मॉडल होता है, और आपके दो कलर्स में आती है, ब्लू हो गया और रेड कलर हो गया। और ये आपके सामने खड़ी है रेड कलर की बाइक। इसमें भाई आपको जैसे पीछे आपको नॉर्मली देखने को मिलता है कि मोनोशॉक सस्पेंशन, इसमें आपको जैसे कम सीसी की बाइक है तो इसमें आपको डबल शॉकर दिखेंगे पीछे, ये देखो इधर भी लगे हुए हैं। और ये आपकी जो चीज़ है, ये जो आपके क्रैश गार्ड होते हैं ये वो है। देन उसके बाद आपको मिलेगा इसमें ये देखो क्या लगा है, हॉर्न। सिंगल हॉर्न का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, डबल हॉर्न नहीं है। आपके यहाँ पे भी ग्राफिक चेंज कर दी गई हैं, यहाँ पे आपका 125 सीसी का लोगो लगा हुआ है जो कि पहले भी आता था, बट थोड़ा सा स्टिकर्स एंड ब्रांडिंग एंड ये जो ग्राफिक डिज़ाइन है ये थोड़े चेंज कर दिए गए हैं इस बार। फिर भाई हम आते हैं इसके हैंडल पे, तो हैंडल तो हमारा देखो जैसे सेम दिख रहा होगा आपको, बट नहीं, इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो स्विच आपको देखने को मिल रहा है ये नया है, क्योंकि पहले पल्सर में ये स्विच नहीं आता था आई थिंक। अगर आता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये मोड बटन यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। रात में आपके यहाँ पे लाइट्स भी जलेंगी। और ये आपका रहा ये जो यहाँ पे हाई बीम का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो यहाँ पे तो अभी जैसे दिन है, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है सो आपको उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट नॉर्मल इसमें बल्ब दिए हुए हैं जो कि नहीं देने चाहिए थे, एलईडी कर देना चाहिए था कम से कम, ये बजाज को कर देना चाहिए था। और यहाँ पे आपको देख लो, मतलब आप लोग देख लो यहाँ पे इसके हेड पे बजाज का लोगो, यहाँ पे भी इसकी ग्राफिक्स चेंज है। उसके बाद जो हमारे इंडिकेटर्स आते हैं, इंडिकेटर्स भी टोटल बल्ब इंडिकेटर्स हैं, ये भी बल्ब है, इसके पीछे वाले इंडिकेटर्स भी बल्ब में आते हैं, बट इसमें जो एलईडी टेल लाइट है वो एलईडी में ही आती है जो कि पहले वाले मॉडल में भी आती थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। इसमें तो ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं, जो थे अपडेट मैंने आपको बता दिए। और आपको दिखाता हूँ अब मैं इसका एग्जॉस्ट नोट, एग्जॉस्ट साउंड कितना प्यारा है दिखाता हूँ आपको। सो एग्जॉस्ट के लिए हमें इसे ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के लिए हमें इसका साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा। सो थोड़ा सा वेट करो, साइड स्टैंड हटाते हैं, इसको खड़े करते हैं डबल स्टैंड पे भाई एक हाथ से। सो ये हो गई हमारी डबल स्टैंड पे बाइक, अब हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट। और हाँ भाई, स्टार्ट करने से पहले इसका हॉर्न का साउंड तो सुन ले, हम लोग सिंगल हॉर्न दे रखा है, सिंगल हॉर्न तो 160 में भी आता है, तो सिंगल हॉर्न इसका देख लेते हैं कितना बढ़िया है भाई। सिंगल हॉर्न तो नहीं ठीक है यार, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कि बैटरी थोड़ी सी अभी डिस्चार्ज है तो उसे चार्ज करेंगे तो हॉर्न की वॉल्यूम अच्छा आ जाएगा। तो और है, मीटर जो है वो 160 जैसा नहीं है क्योंकि इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है, बस आपको इसमें न्यूट्रल ही मिलेगा और न्यूट्रल भी हो नहीं रहा है। एक सेकेंड यार,
यार इसका टायर चल रहा है। ओह गाइस हो गया न्यूट्रल, ये देखो न्यूट्रल पोजीशन दे रखा है बट इसमें जो है गियर इंडिकेटर नहीं है तो इस वजह से समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो चलो इसका हॉर्न जैसे अभी फुल स्टार्ट किया है सो ये देखो नॉर्मल एग्जॉस्ट जैसा ही है और अब इसमें हम करते हैं इसको बूम बूम तो दिखाते हैं हम। भाई साहब एग्जॉस्ट तो लाजवाब है यार, कतई जहर है। 125 सीसी का एग्जॉस्ट ऐसा भाई साहब ये बाइक है जहर जहर। मतलब सबसे प्यारा मुझे क्या लगता है, मुझे जो लगता है एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट भाई एक नंबर है यार, बहुत मस्त है। मतलब सच बताऊं ना तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका एग्जॉस्ट इतना प्यारा होगा, लेकिन भाई दिल जीत लिया है एग्जॉस्ट ने। मतलब लगा हुआ है, आप इसमें डीबी किलर भी लगा होगा आई थिंक, डीबी किलर आप निकाल दोगे, ये देखो गाइस अंदर लगा है डीबी किलर, ये जो आपको दिख रहा है सिल्वर वाला, ये इसे कहते हैं डीबी किलर। अगर ये निकल गया तो आपका जो मज़ा आएगी ना आपको, तो भाई ये निकल गया ना तो फिर आपकी बाइक ना आग उगलेगी भाई। एग्जॉस्ट के दम पे बाइक बहुत बढ़िया कह सकता हूँ मैं, और टैंक पे स्टिकर अच्छा दे रखा है, पिछली वाली बाइक्स में भी दे दिया होता यार। यहाँ पे पल्सर की आपकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सब कुछ तो बता दिया मैंने, अब इसमें क्या बचा, जो इसका इंजन है वो एयर कूल्ड है या ऑयल कूल्ड, तो बहुत लोग का यही क्वेश्चन होता है। तो इसका इंजन जो है गाइस वो एयर कूल्ड इंजन है, सो ऑयल कूल्ड इंजन ना होते हुए भी एयर कूल्ड इंजन दे रखा है बजाज ने। आई थिंक मैक्सिमम बाइक्स में एयर कूल्ड इंजन ही देता है बजाज, एन सीरीज में भी दे रहा है एयर कूल्ड, और ये नॉर्मल वाली जो है इसमें भी एयर कूल्ड इंजन दे रहा है। लेकिन एक चीज़ सारी बाइक्स में देखने को मिल रही है, इसमें नॉन DTSI इंजन हटा के, सॉरी DTSI इंजन हटा के बजाज अपने इंजन की ब्रांडिंग के साथ इंजन दे रहा है जो कि नॉन DTSI इंजन्स होते हैं। लास्ट थिंग इसमें आपको किक दे रखी है, सो आपका किक से भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, और किक मिलती है आपको सिर्फ 150 cc के अंदर वाली बाइक्स में, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि ये ऑप्शन जो होता है भाई बेहतरीन ऑप्शन होता है, जो कि बाइक्स वो वाली होती हैं जो 160 के ऊपर हैं और उनमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट दे रखा होता है, और भाई अगर वो गलती से सेल्फ अगर बैटरी डाउन है तो आप वहीं खड़े रहोगे, धक्का मानना पड़ेगा क्योंकि किक तो होती नहीं उसमें, तो स्टार्ट तो होगी नहीं वो। और गाइज इसमें जो दे रखे हैं आपको गियर्स, सो गियर तो इसमें आपको 5 गियर दे रखे हैं, 5 गियर, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, और जो गियर हमारा शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है वो पुरानी वाली है, मतलब एक ये देखो पुरानी वाली, कहने का मतलब ये फिर ये, समझ गए ना, समझ गए। मैं थोड़ा सा इसका राइड रिव्यू दे देता हूँ इस वाली डायनेमिक एक्सपीरियंस्ड बाइक का, इसका मैं आपको एक राइड रिव्यू दे देता हूँ, सो देखते हैं कि कैसी चलने में है कैसी चलाने में है। तो चलो ये रहा हमारा हेलमेट और इसे पहनते हैं। सो गाइस गेट रेडी फॉर अ राइड रिव्यू। इस वीडियो में मैंने सोचा कि बाइक दोबारा कहाँ लेते घूमूंगा मैं, तो इसी वाली मैं आपको दे देता हूँ राइड रिव्यू भी। सो चलो राइड रिव्यू के लिए तैयार हो जाओ और स्टार्ट करके देखते हैं। पहले 1, 2, 3 मीटर तो भाई भौंका लिए, नया मीटर दे रखा है भाई, एग्जॉस्ट जहर है जहर। तो चलो पहले गियर में डालते हैं बाइक, और आपको एक ओ भाई साहब बाइक में भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सेक्सी बाइक है कसम से। मतलब एग्जॉस्ट के दम पे तो भाई कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है यार, एग्जॉस्ट इतना प्यारा है
लेकिन ABS नहीं है तो मुझे डर लग रहा है इसको चलाने में कि भाई ये तो हो जाएगी स्लिप और मैं नीचे चला जाऊंगा। भाई दूसरे ही गियर पे 57 चली जाती है, कमाल की बाइक है, कमाल की। अरे भैया ABS नहीं, आराम से यार, रुकेगी बिना आराम से, स्लिप कर जाएगा टायर, वो अलग है। मेरे को उल्टा जाना पड़ रहा है, आराम से जाऊंगा। मतलब दूसरे गियर पे 10-20 मीटर तो काफी है यार, बहुत ज्यादा है। बाइक बहुत बढ़िया है भाई, आप लोग अगर लेना चाहो ना तो ले सकते हो। अभी आपको इसका मैं एक शोरूम प्राइस और यहाँ शोरूम का प्राइस बता देता हूँ। ये आपको पड़ेगा न्यू जेल रोड पे, तो यहाँ आप आके बाइक ले सकते हो। बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो 95.6 थाउजेंड रुपीज़ है और जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 1,17,000। और ये अंकल जी का बताना है कि अगर मेरे उससे आप अगर आओगे बताओगे कि मैंने सजेस्ट किया है सो आपको मिलेगा 1,13,000 रुपीज़ में पूरी बाइक आप घर ले जा सकते हो।